नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एम पी अकेडमी पर दोस्तों आज हम नंबर सिस्टम के सभी टाइप के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे वो भी एक ही वीडियो में दोस्तों नंबर सिस्टम मैथ्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे प्रत्येक एग्ज़ाम चाहे वो रेलवे का हो चाहे एस का हो या स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम ही क्यों ना हो प्रत्येक एग्ज़ाम में दो से तीन क्वेश्चन हर बार देखे जाते हैं तो बिना देरी करते हुए चलिए दोस्तों देखते हैं हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चनों को दोस्तों क्वेश्चनों में जाने से पहले हम थोड़ा सा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है तो आइए दोस्तों देखते हैं दोस्तों पहला है प्राकृत संख्याएँ प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर दोस्तों नेचुरल नंबर गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है ठीक है दोस्तों जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं सभी को हम प्राकृत संख्या कहते हैं जीरो को छोड़कर यानी एक से लेकर जैसे एक दो तीन चार ये सभी क्या है दोस्तों प्राकृत संख्याएं हैं नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या यानी होल नंबर होल नंबर दोस्तों प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल करने के बाद संख्याओं का जो परिवार बनता है दोस्तों उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं जैसे देख लीजिए दोस्तों एक दो तीन चार पाँच जो ये प्राकृत संख्याएं थी इनमें हम यदि शून्य को जोड़ देते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है आगे देखते हैं दोस्तों सम संख्या क्या दोस्तों सम सम संख्या संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों वे नमर, वे यानी इवन नंबर संख्याएं जो दो से विभाज्य हो उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों हम सम संख्या बोलते हैं दो से विभाज्य होने वाली संख्याओं को हम क्या बोलते हैं दोस्तों सम संख्या बोलते हैं सम संख्या कौन कौन सी है दोस्तों दो चार छह आठ दस बारह ये सभी क्या है दोस्तों सम संख्याएं हैं नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों विषम संख्या विषम संख्या क्या कहलाती हैं यानी नंबर वे संख्या है संख्याएं जो दो से क्या दोस्तों मैं क्या बोला वे प्राकृत संख्या जो दो से विभाज्य ना हो क्या हो ना हो दो से विभाज्य वे प्राकृत संख्या ना हो उन्हें हम क्या बोलेंगे विषम संख्या कहते हैं जैसे एक तीन पांच सात नौ ये सभी क्या हैं दोस्तों वो विषम संख्या हैं ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्या लिखा है दोस्तों अभाज्य संख्या क्या दोस्तों अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर प्राइम नंबर क्या कहलाते हैं दोस्तों एक से बड़े क्या दोस्तों एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं किससे दोस्तों स्वयं एवं एक से किससे दोस्तों एक को यानी कि एक से बड़ी वे संख्या जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरे से विभाज्य ना हो वो क्या कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं ठीक है दोस्तों और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है दोस्तों दो होती है कौन होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो दोस्तों कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है वो है दो हमें डाउटफुल नहीं रहना दोस्तों नहीं तो बोलो कि आप एक होती है नहीं एक नहीं होती है देखो उसकी डेफिनेशन क्या है वो तो खुद सेवा एक तो एक से बड़ी होनी चाहिए और वो खुद से विभाजित हो और एक से विभाजित हो तो केवल दो ही है एक से बड़ी भी है और खुद से विभाजित होती है और एक एक से विभाजित हो यानी कि दो तीन पाँच सात ग्यारह नौ विभा नौ अभाज्य संख्या नहीं है दोस्तों नौ अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि ये तीन नौ और एक तीन नंबरों से विभाजित होती है इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों असहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर प्राइम नंबर क्या कहलाते हैं दोस्तों को प्राइम नंबर जब दो क्या है दोस्तों जब जब दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समावर्तक एक हो कितना हो दोस्तों एक हो हो तो दोनों संख्याओं मतलब कि तब वह दोनों संख्या क्या, क्या कहलाती हैं को प्राइम नंबर कहलाते हैं को प्राइम नंबर जैसे दोस्तों एस यानी महत्तम समावर्तक को क्या बोलते हैं एच एफ क्या बोलते हैं एच सी एफ दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे दिया है दो और तीन दो और तीन का एच सी एफ क्या होता है यानी कॉमन फैक्टर यानी इनके हम गुणनखंड निकालेंगे क्या गुणनखंड दो का गुणनखंड क्या होता है दो और एक और तीन का गुणनखंड क्या होगा तीन और एक यानी जो इनमें कॉमन होगा वही क्या होगा एच सी एफ यानी महत्तम समवर्तक यानी इन दोनों का एच सी एफ क्या है एक है दो और सात इसका भी एक है क्यों दो गुणित एक दो का गुणनखंड ये हो गया और सात का गुणन क्या होगा सात गुणित एक होगा होगा दोस्तों सात गुणित एक हो यानी इसमें भी कॉमन फैक्टर क्या है दोस्तों एक है यानी कि ये सह अभाज्य संख्याएं है यानी को प्राइम नंबर है चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग क्या दोस्तों प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है दोस्तों एक दो तीन चार ये सभी क्या है प्राकृत संख्या है तो यहाँ पे एन प्राकृत संख्या यानी कोई संख्या दी हुई है कि एन प्राकृत संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है वहाँ एन की जगह दस हो सकता है पंद्रह बीस पचास सौ कुछ भी हो सकता है उन सभी संख्याओं का हमें क्या निकालना है दोस्तों योग निकालना है तो उसे दोस्तों हम फॉर्मूले से करें तो ही बेटर रहेगा यदि हम बिना फॉर्मूले के करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे न, यदि दस तक या कुछ कम संख्याएं बोले तो हम जोड़ सकते हैं लेकिन कभी अस्सी पचास ऐसा बोल दिया तो दोस्तों हमारे पास इतना ज्यादा एग्जाम में टाइम होता नहीं है कि हम उन संख्याओं को जोड़ते रहे हम इस क्वेश्चन के पीछे हम बाकी के तीन चार क्वेश्चन तो छोड़ नहीं सकते ना दोस्तों तो इस प्रकार से हम इनको देखेंगे तो इनको दोस्तों देखते हैं अपन इनको जोड़ने के लिए फार्मूला कुछ इस प्रकार होता है कि एन और एन प्लस वन बाई टू कितना होता है दोस्तों एन एन प्लस वन बाय टू ये होता है एन प्राकृत संख्याओं का योग याद करने के लिए फॉर्मूला ठीक है दोस्तों चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग किसका दोस्तों वर्गों का योग प्रख... प्रथम यानी कि एक का वर्ग प्लस दो का वर्ग प्लस तीन का वर्ग डैश 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 एन का वर्ग ये देख लीजिए दोस्तों यानी कि यहाँ पे भी एन संख्याओं का वर्ग निकालना है तो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या होता है वो देख लीजिए क्या होता है एन ठीक है दोस्तों फिर एन प्लस वन फिर दोस्तों टू एन प्लस वन और फिर पूरे के बट्टे में कर दो दोस्तों सिक्स क्या कर दो छ ठीक है दोस्तों ये किसका हो गया एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला एन एन प्लस वन कोष्टक में फिर एन टू एन प्लस वन बाई सिक्स ये हो गया वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए कौन सी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कैसे जैसे एक का क्यू प्लस दो का क्यू प्लस तीन का क्यू डैश 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 एन का क्यूब इनका योग ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला है दोस्तों तो वो फॉर्मूला देख लेते हैं अपन क्या है फॉर्मूला दोस्तों वो फॉर्मूला इसको मिटा देते हैं दोस्तों हाँ वो फॉर्मूला क्या है दोस्तों हाँ वो फॉर्मूला है दोस्तों मतलब कि क्यूब ज्ञात करने के लिए मतलब कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करने के लिए दोस्तों फॉर्मूला है एन एन प्लस वन बाय टू और पूरे का फॉर्मूला प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करने के लिए ठीक है दोस्तों ध्यान में रखना से चलिए हम आगे बढ़ते हैं ये देखिए दोस्तों और देख लीजिए यहाँ पे लिखा है एन सॉरी प्रथम एन संख्याओं का योग तो प्रथम सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए दोस्तों किस फॉर्मूले का यूज करेंगे बहुत नॉर्मल है जिसका हम अभी तक यूज करते आ रहे हैं दोस्तों और एण वन। ये सम संख्याओं को ज्ञात करने के लिए प्राकृतिक संख्याओं को का योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला कौन सा है एन और एन प्लस वन बस दोस्तों इतना ही ध्यान रखना है आगे देख लेते हैं प्रथम एन विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है ओनली उस संख्या जो भी संख्या दी होगी जितनी संख्या ज्ञात करनी उसका वर्ग कर देना है यानी कि एन की पावर टू कर देना है मान लो कि यहाँ कोई संख्या दस है तो मतलब दस विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए प्रथम तो क्या करना है दस का वर्ग कर देना यानी कितनी हो जाएंगी सौ संख्या कितनी हो जा मतलब कितना हो जाएगा योग उनका सौ हो जाएगा ठीक है दोस्तों चलिए अब अपन क्वेश्चन में क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों ये रहा हमारा हमारा आज का पहला क्वेश्चन ठीक है दोस्तों तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा आपकी स्क्रीन के ऊपर यदि किसी संख्या को क्या दोस्तों यदि किसी संख्या को एक सौ उन्नीस से भाग दिया जाए तो शेषफल उन्नीस प्राप्त होता है यदि उसी संख्या को उसी संख्या को सत्रह से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा हमें ये बताना है दोस्तों ओके तो हम पहले क्या किए पहले किसी संख्या में जब हम एक सौ उन्नीस से भाग देते हैं तो शेष फल हमारे पास क्या निकल कर आता है दोस्तों उन्नीस निकल कर आता है ठीक है उन्नीस निकल कर आता है एक मिनट दोस्तों इसको मिटा दें हम क्या निकल कर आता है दोस्तों एक सौ उन्नीस यदि उसी संख्या में हम सत्रह से भाग दें कि, किस भाग दें दोस्तों सत्रह शेष तो शेषफल क्या निकल कर आएगा दोस्तों इस कंडीशन में हमें कुछ नहीं करना बस जिस संख्या मतलब जिस संख्या से हम भाग दिए हैं और जिसका शेष फल आया है जो शेषफल हमें प्राप्त हुआ है और जिस संख्या से हमें अब भाग देना है उसमें उस शेष फल में उस संख्या का भाग दे दो जो शेष आएगा वही हमारा शेषफल होगा यानी उन्नीस में हम सत्रह का भाग दे देंगे तो जो शेष हमें प्राप्त होगा वो कितना होगा दो तो ऑप्शन इज द राइट ओके चलिए हम आगे देख लेते हैं आई थिंक आप समझ गए होंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों एक संख्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक संख्या का एक तिहाई यानी एक बटा तीन का तीन बटा सात का भी तीन बटा पांच है. है ना दोस्तों यदि इनका तीस है यदि इन सब का जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें तीस मिलेगा तो उसी संख्या का बीस परसेंट क्या होगा मान लो कोई संख्या कितनी है दोस्तों एक्स है क्या है दोस्तों एक्स है क्या है दोस्तों एक्स है अब एक्स का एक तिहाई यानी एक बटा तीन का यानी गुना का निशान का तीन बट्टे सात तीन बटा सात का दो बट्टा पांच कितना है तीस है तो उसका बीस परसेंट यानी बीस परसेंट की जगह क्या लगती है सौ ठीक है दोस्तों ये लिख दिए सौ एक शून्य से ये एक शून्य चला गया इस शून्य से इस शून्य को काट दिए ये तीन से ये तीन काट दिए ये दो से ये दो काट दिए यानी बचा कितना तीन पांच सात तो एक्स बराबर दोस्तों ये कितना है पांच सत्ती पैंतीस पांच सत्ती पैंतीस और पैतीस कितना हो जाएगा दोस्तों एक सौ पांच कितना हो जाएगा दोस्तों एक सौ पांच तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहां पे गुणा कर हम इस साइड को ले आएंगे यानी कि ये बटे में है तो फिर कहां बराबर में चला जाएगा ओके दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों दो संख्याओं का योग पंद्रह तथा अंतर सात है तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए दोस्तों हमें यहाँ पर दो संख्याएँ गिवन नहीं हैं बल्कि उन संख्याओं का अंतर और योग गिवन है ओके दोस्तों उन्हीं संख्याओं मतलब उनका प्रयोग करके हमें उन संख्याओं का तो पहले ज्ञात करना है और फिर उन्हीं संख्याओं का गुणनफल यानी दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो जो से जो अपन को प्राप्त होगा वही हमारा आंसर होगा तो दोस्तों पहले हम कोई भी दोनों संख्या मान लेते हैं मान लो कोई संख्या एक्स और वाई है क्या मान लिए दोस्तों एक्स और वाई मान लेते हैं दोस्तों तो उन संख्याओं का फिर योग कितना है दोस्तों एक्स प्लस वाई का योग कितना है दोस्तों पंद्रह और इन्हीं का अंतर दोस्तों कितना है सात है इसे दोस्तों हम जब हम स्कूल में थे तो क्लास टेंथ में पढ़े होंगे इस प्रकार से हम इनको समीकरण का रूप दे देते दे थे और फिर इनमें से इन समीकरण को ये तो घटाते थे या फिर जोड़ते थे फिर उससे हमें एक्स का मान निकल कर आता फिर जब हमें एक्स का मान निकलता तो इनमें कि नहीं एक समीकरण में उसे एक्स का मान रख के हम वाई का मान निकालते तो ये लंबी चौड़ी विधि हम यहाँ पर नहीं करेंगे दोस्तों क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ये सब करें इसलिए दोस्तों मैं बताता हूं यहां पर करना क्या है दोस्तों यहां पर गुणनखंड बोला है यहां पे दोस्तों गुणनखंड की जगह सबसे बड़ी संख्या पूछ सकता था सबसे छोटी संख्या पूछ सकता था या फिर दोनों संख्याएं बताइए ये, ये पूछ सकता था तो दोस्तों यदि यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी निकल कर आएगी एक्स निकल कर आएगी और छोटी संख्या वाई निकल कर आएगी तो किस प्रकार से निकलेगी वो देख लेते हैं दोस्तों यदि इन दोनों संख्याओं को यदि हम जोड़कर दो से भाग दे तो सबसे बड़ी संख्या यानी एक्स निकल कर आएगी किस प्रकार से देख लेते हैं पंद्रह सात कितना हो जाएगा दोस्तों बाईस उसमें दो का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा ग्यारह यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी ग्यारह यानी हमें एक्स निकल कर आ गया एक संख्या मिल गई दोस्तों दूसरी संख्या देख लेते हैं दूसरी संख्या किस प्रकार से निकल आ रही निकल कर आएगी दोस्तों दोनों का अंतर में हम क्या करेंगे दोस्तों दो का भाग दे देंगे दोनों का अंतर कितना होगा दोस्तों आठ होगा उसमें हम दो का भाग दे देंगे यानी कितना निकल कर आएगा दोस्तों चार कितना दोस्तों या चार यानी कि सबसे छोटी संख्या यानी वाई कितनी निकल कर आ गई चार दोस्तों हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक्स इंटू वाई यानी एक्स इंटू वाई ज्ञात करना है यही ज्ञात करना है दोस्तों यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है तो गुणनफल क्या होगा दोस्तों ग्यारह गुड़े चार यानी कि चौवालिस कितना दोस्तों चौवालिस हमारा आंसर तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ओके दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं आपको समझ में आ गया होगा है। दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन एक मिनट दोस्तों हम नीचे कर लेते हैं हाँ ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम दस प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है दोस्तों प्रथम दस प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो योग ज्ञात करने के लिए प्राकृत ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या था दोस्तों एन एन प्लस वन बाई टू ओके दोस्तों एन प्लस वन बाई टू यही फॉर्मूला था यहाँ पे एन बराबर क्या गिवन है दोस्तों दस क्या गिवन है दोस्तों दस तो हम दस एन बराबर रखेंगे तो दस को दस प्लस वन अपॉन टू इसे सॉल्व कर लें दोस्तों दस इसको पहले काट देते हैं यहीं पे दोस्तों ठीक है इसको काटेंगे तो कितना मार जाएगा पांच बार यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों एक मिनट इसको मिटा देते हैं हाँ कितना आ गया दोस्तों पांच और दस और एक ग्यारह यानी गुणित ग्यारह कितना आ गया गुणा कर दो दोस्तों ग्यारह पचे पचपन कितना हो गया दोस्तों पचपन हमारा राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर डी ठीक दोस्तों चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों प्रथम प्रथम पंद्रह प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है दोस्तों प्रथम पंद्रह प्राकृत संख्याओं के दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करो कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है यहाँ पे वर्गों का योग ज्ञात करना है ना कि प्राकृत संख्याओं का योग यहाँ पे प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात तो उसके लिए फॉर्मूला हमने क्या लिखवाया था दोस्तों एन एक मिनट दोस्तों इसको पतला कर लेते हैं एन 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 प्लस वन टू एन प्लस वन, वन बाय सिक्स यही था ना दोस्तों तो अपन उसको लिख लेते हैं क्या था कि एन एन प्लस वन कुक में टू एन प्लस वन बाय सिक्स यही था दोस्तों एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स ठीक है दोस्तों यही था हमारा फॉर्मूला अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे एन बराबर कितना गिवन दिया है दोस्तों पंद्रह कितना दिया है दोस्तों पंद्रह तो इसे अपन हल कर लेते हैं दोस्तों तो एन बराबर पंद्रह रखते हैं पंद्रह में पंद्रह प्लस वन फिर दूसरे क्वेश्चन पंद्रह दो गुणित पंद्रह प्लस वन पूरे की बट्टे कितना करेंगे दोस्तों छ करेंगे कितना करेंगे दोस्तों छ करेंगे चलिए दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ कौन कॉर्नी में कितना हो गया दोस्तों पंद्रह और ये गुणित में कर दें पंद्रह और एक सोलह और ये कितना हो जाएगा दोस्तों गुना पंद्रह दूनी तीस और एक इकतीस बटा सिक्स कितना होगा सिक्स इसको तीन दो से तीन से काटते हैं तीन दूना छः और इसको ती छः पंद्रह यानी पाँच बार गया और ये दो अठे सोलह ये आठ बार चला गया तो कितना बचा आठ अठपंच चालीस गुने इकतीस इसको गुना करेंगे दोस्तों कितना आएगा चारम चार शून्य का शून्य ये कर दिए चार एकम चार और चार ती बारह यानी कि बारह सौ चालीस दोस्तों कितना आएगा बारह सौ चालीस ठीक है बारह सौ चालीस ऑप्शन किसमें है ऑप्शन नंबर ए किसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं समझ में आ गया होगा आपको मुझे लगता है आप लोग पढ़ने वाले छात्र हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों प्रथम बीस प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए क्या ज्ञात करना है दोस्तों प्रथम बीस प्राकृत संख्याओं के घनों का योग इसका फॉर्मूला हमने क्या लिखवाया था दोस्तों इसका फॉर्मूला था एन एन प्लस वन बाई टू पूरे की घात कितना दोस्तों टू ठीक है दोस्तों एन एन प्लस वन बाई टू इसका होल स्क्वायर ये फॉर्मूला था दोस्तों इसमें हम बैली पुट कर देते हैं एन बराबर कितना दिया है दोस्तों ट्वेंटी में ट्वेंटी प्लस वन बाई टू और इसका पूरे का होल स्क्वायर कितना है दोस्तों टू है इसको आगे हल करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा अपने को क्या निकल कर आएगा दो का वर्ग बीस का वर्ग कितना होगा दोस्तों चार सौ कितना हो जाएगा चार सौ कुनेत बीस और एक इक्कीस इक्कीस का वर्ग अभी नहीं लिखते हैं इक्कीस का वर्ग लिख रहने देते हैं डायरेक्ट और बटन में कितना कर देते हैं टू ठीक है दोस्तों इसको काट देते हैं दो से दो ना चार कर देते हैं ठीक है दोस्तों कितना आ गया दोस्तों यहाँ पे दो सौ सॉरी दोस्तों यहाँ पे अपन से गलती हो गई है यहाँ पे दो का वर्ग चार हो जाएगा कितना हो जाएगा चार तो चार यहाँ से एक बार में चला जाएगा यहाँ कितना बचेगा यानी कि सौ कितना बचा सौ गुण इक्कीस का वर्ग ठीक है दोस्तों सौ को भी वर्ग में बदल लेते हैं तो दस की घात दो गुड़े इक्कीस की घात दो पावर समान है घात समान है तो गुना कर दो यानी इक्कीस गुड़े दस करेंगे तो दो सौ दस आ जाएगा और दो सौ दस की घात दो इसको जब वर्ग हटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों चौवालीस वन डबल ज़ीरो ठीक है दोस्तों कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों चौवालीस वन डबल जीरो ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन क्या है दोस्तों प्रथम पंद्रह संख्याओं का योग ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है दोस्तों प्रथम पंद्रह संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो इसके लिए दोस्तों हमने फॉर्मूला क्या निकला था क्या था दोस्तों फॉर्मूला एन एन प्लस वन ठीक है दोस्तों लग दीजिए फॉर्मूला एन और एन प्लस वन यही था दोस्तों फॉर्मूला में मान रखते हैं पंद्रह पंद्रह प्लस वन ठीक है दोस्तों यानी पंद्रह और एक सोलह गुणा दो दोस्तों कितना आएगा दोस्तों कि दो सौ चालीस कितना आ जाएगा दोस्तों दो सौ चालीस ठीक है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों पैंतीस तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है दोस्तों अभी क्या दिया था अपन को प्रथम पंद्रह संख्याओं का योग ज्ञात करना था लेकिन यहाँ पे पैंतीस तक पैंतीस तक अब कितनी समसंख्या आएंगी पहले तो वो निकालना पड़ेगा दोस्तों यहां से एक से जाएंगे पैंतीस तक कितनी संख्याएं हैं फिर उन संख्याओं का हमें योग निकालना है यदि दोस्तों हम इसमें दो का भाग देंगे तो निकल कर आएगा सॉरी सॉरी मैं ये बोल रहा था कि इसमें या तो सम संख्याएं होंगी या तो विषम संख्याएं होंगी दो ही संख्याएं होंगी तो इसमें यदि हम दो से भाग देंगे तो क्या निकल कर आएगा सत्रह और सीस कितना बचेगा अठारह कितना बचेगा अठारह इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा पैंतीस कितना हो जाएगा दोस्तों पैंतीस हो जाएगा हो जाएगा अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि इनमें से सत्रह संख्या हैं कि अठारह संख्या हैं तो इसे ज्ञात करने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या से स्टार्ट हुआ है और विषम संख्या पर खत्म हुआ है यानी कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा विषम संख्या है यानी इनमें से अठारह विषम संख्याएं होंगी और सम संख्या सम संख्या कितनी होंगी सत्रह यानी एन बराबर हमारे पास कितना होगा सत्रह कितना होगा दोस्तों सत्रह फॉर्मूला क्या है दोस्तों एन एन प्लस वन क्या है दोस्तों एन एन प्लस वन ठीक है दोस्तों इसे सॉल्व कर लीजिए क्या होगा आंसर कि सत्रह गुणे सत सत्रह और अठारह कितना हो जाएगा अठारह इसमें अपन गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा दो सौ हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं ध्यान से देखा देखना समझना फिर उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना ठीक है दोस्तों ध्यान से पढ़ा करो किसी भी क्वेश्चन को हल करने से पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या है दोस्तों ध्यान से पढ़ना प्रथम पंद्रह विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए विषम संख्या पंद्रह नहीं दोस्तों पच्चीस विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए तो पच्चीस प्रथम पच्चीस तो कौन क्या करना है इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों उसी संख्या का वर्ग कर देना है क्या करना है वर्ग तो यहाँ पे पच्चीस का वर्ग क्या है दोस्तों छः सौ पच्चीस होगा कितना होगा दोस्तों छ सौ पच्चीस ऑप्शन नंबर ए ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दो, दोस्तों देखिए क्या है इसमें तीन क्रमागत संख्याओं का योग कितना दिया है दोस्तों अठारह कितना दिया है अठारह तो अगली तीन क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना है ठीक है दोस्तों तो हमें पहली तो ये पता चल गया नंबर कितने हैं दोस्तों हमारे पास नंबर कितने हैं तीन नंबर है कितने नंबर है दोस्तों तीन नंबर है टोटल कितना है दोस्तों टोटल कितना है दोस्तों अठारह उन संख्याओं का योग कितना है दोस्तों अठारह यदि हम तीन को अठारह से भाग देंगे तो हमें क्या निकल कर मतलब इस क्या निकल कर आएगा दोस्तों एवरेज इनका कितना क्या निकल कर आएगा एवरेज यदि हम इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा छ यानी इसका औसत कितना आया दोस्तों आया यानी कि तीन संख्या कौन थी य तो पहली ये दूसरी और ये तीसरी ठीक है दोस्तों इन तीनों में से औसत संख्या क्या थी यानी मध्य की संख्या छः थी तो इससे पहले पाँच रही होगी और इसके बाद क्या रही होगी सात रही होगी यानी इन तीन संख्याओं के बाद क्रमागत संख्या तो सात के बाद कौन होगी आठ होगी उसके बाद नौ होगी उसके बाद दस होगी इन्हीं संख्याओं का योग बताना है तो दस और नौ उन्नीस और आठ सत्ताईस हमारा राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर सी चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं यदि समझ में ना आए तो वीडियो स्किप करके या फिर रोक करके बार-बार देख सकते हैं चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किसी विद्यार्थी को एक संख्या में 12 से गुणा करने को कहा गया क्या कहा गया दोस्तों किसी संख्या को 12 से कोई संख्या रही होगी उस संख्या में एक विद्यार्थी को बारह से गुणा करने को कहा गया उसने गलती से क्या कर दिया कि इक्कीस से गुणा कर दिया तो इस प्रकार सही उत्तर से तिरसठ अधिक अंक प्राप्त हुए तो संख्या ज्ञात कीजिए ठीक है दोस्तों एक बार और क्वेश्चन पढ़ी दे रहा हूँ किसी विद्यार्थी को एक संख्या में बारह से गुणा करने को कहा गया गलती से उसने संख्या को इक्कीस से गुणा कर दिया इस प्रकार सही उत्तर से कितना अधिक हमको प्राप्त हो गया तिरसठ तो संख्या क्या होगी जो संख्या मतलब वह संख्या क्या होगी तो दोस्तों हमें यहाँ पे करना क्या है कि मान लेना है कि कोई संख्या एक्स थी इसे एक्स से मान कर भी कर सकते हैं मान लो कोई संख्या एक्स थी तो उसे हमें गुणा किससे करना था बारह से कितना किससे करना था दोस्तों बारह से किससे करना था बारह से लेकिन त्रुटी बस उसने गलती से किससे गुणा कर दिया इक्कीस से कर दिया तो हमें कितना अधिक प्राप्त हो गया तिरसठ कितना प्राप्त हो गया तिरसठ तो दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है इनके बीच का अंतर देखना कितना आया नौ एक्स नौ एक्स बराबर तिरसठ तो एक्स का मान लिख लो नौ कितना बार जाएगा दोस्तों सात बार नौ सात तिरसठ ठीक है दोस्तों यानी वह संख्या कितनी थी दोस्तों सात ऑप्शन नंबर बी ठीक है दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों एक भिन्न का अंश क्या दोस्तों एक भिन्न का अंश भिन्न क्या होता है दोस्तों अंश बटे हर ठीक है दोस्तों अंश पेन चल नहीं रहा दोस्तों एक बार और लिख देता हूं अंश बटे हर ये भिन्न है ठीक है दोस्तों अब एक भिन्न है मान लो कि वह भिन्न क्या है एक्स और वाई है ठीक है दोस्तों एक्स और वाई है एक भिन्न का अंश में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई दो सौ पचास पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ के आपको बता देता हूँ दोस्तों एक भिन्न का अंश दो सौ पचास परसेंट बढ़ा दिया जाए और हर भी तीन सौ परसेंट बढ़ा दिया जाए तो वह भिन्न सात बटा नौ प्राप्त सॉरी सात बटे उन्नीस हो जाएगा तो मूल भिन्न क्या होगा यानी एक्स वाई का मान क्या होगा तो दोस्तों इसे हल करने के लिए हमें क्या करना है सिंपली एक अंश क्या है एक्स उसमें वृद्धि कितनी की हुई दो सौ पचास यानी कि कोई संख्या कितनी होती है हंड्रेड परसेंट और उसमें कितने की वृद्धि हो गई और दो सौ पचास की यानी वह कुल कितने का हो गया तीन सौ पचास का कितने का हो गया तीन सौ पचास का और हर में कितने की वृद्धि कर दी गई तीन सौ की और वो, वो कितने की थी सौ की यानी टोटल कितना हो गया चार सौ की कितने की होगी चार सौ की तो भिन्न अपन को क्या प्राप्त होता है सात बटा उन्नीस ठीक है दोस्तों अब इसे अपन हल कर लेंगे हल करने के लिए इसमें ये शून्य से शून्य कट गया सात पना पैंतीस यानी ये पाँच बार कट गया ठीक है दोस्तों पाँच बार कट गया यानी एक्स अपॉन वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा और ये पाँच से ये आठ काट दीजिए दोस्तों पचहठे चाल चालीस को काट दे तो आठ बार चला गया यानी कि आठ को यहाँ ले जाएंगे तो आठ बटा उन्नीस ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा पाँच बटा उन्नीस ठीक है दोस्तों ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है ठीक है दोस्तों चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे एक बात और ध्यान देना चाहे वो संख्या बढ़ा दे घटा दे कुछ भी करते हमको बस करना क्या है कोई भी संख्या कितनी परसेंट होती है कोई भी पदार्थ हंड्रेड परसेंट का होता है उसमें चाहे घटाना हो तो सौ में घटा दो बढ़ाना है तो सौ में प्लस कर दो घटाना है तो सौ में माइनस कर दो बस दोस्तों हमको इतना ही करना है चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों किसी संख्या के आधे का एक तिहाई का चौथा भाग कितना दोस्तों किसी संख्या का एक तिहाई का चौथा भाग पंद्रह वह संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों इसी प्रकार का हमने आगे क्वेश्चन कर चुका है दोस्तों इसको आप करेंगे और कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर देंगे दोस्तों यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें दोस्तों यदि आपने चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो को पाने के लिए आप बेल आइकन यानी घंटी को भी दबा दें धन्यवाद